नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जाएगी जो यूपी के अयोध्या से आ रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण कदम पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 तक अयोध्या में शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दिन 29 अक्टूबर के पहले ही 27 अक्टूबर को ही इसके संकेत मिल जाएंगे। 29 अक्टूबर को सीजीआई चाहे दीपावली के पहले या दिवाली के बाद डेट देंगे। उन्होंने कहा कि तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस दास का ये आमरण अनशन सफल होगा। तो खबर चौंकाने वाली है जो यूपी के अयोध्या राम जन्मभूमि से आ रही है। न्यास के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांति का ये बड़ा बयान सामने आया है कि 2018 दिसंबर 2018 तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्णायक कदम पर पहुंच चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर 2018 तक मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के अंतर्गत 29 अक्टूबर को जो सुनवाई हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 27 अक्टूबर को ही हमको सफलता मिल जाएगी और 29 अक्टूबर को गगोई जल्दी कोई डेट देंगे, या तो दीपावली के बाद देंगे या तो दीपावली के पहले देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जिस अभियान में चल रहे हैं और जिस राम लला के मंदिर को बनाने के लिए तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास जी ने आमरण अनशन किया है, वह आमरण अनशन उनका सफल होगा। भगवान राम लला प्रत्यक्ष भगवान हैं और न केवल हिंदुओं के भगवान हैं, संपूर्ण विश्व के लोगों के भगवान हैं, सब जीव जंतुओं के भगवान हैं, हर प्राणियों के भगवान हैं। उनके मन में ये इच्छा जरूर रही होगी कि परमहंस दास हमारे इस मंदिर को बनते हुए अपनी आँखों से देखें, और इसीलिए जब 7 तारीख हो गई तो 7 तारीख को मैंने कई लोगों से वार्ता किया, मैं नाम नहीं लूँगा, कई अधिकारियों से वार्ता किया और मैंने ऊपर वार्ता किया, दिल्ली वार्ता किया, लखनऊ वार्ता किया। वार्ता के क्रम में आया कि क्या चाहते हैं आप और अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ, अयोध्या के लोग चाहते हैं कि परमहंस दास के प्राण बचे रहें। किसी के प्राणों को बचाने के लिए यदि जोर जबरदस्ती किया जाए तो भी उचित होगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्राण को बचाने के लिए सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए, इसलिए यदि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो किसी के कहने पर उल्लंघन किया, और ये अच्छा किया कि परमहंस दास जी को यहाँ से उठा करके पीजीआई में ले जा करके भर्ती करा दिया गया। पीजीआई में डॉक्टरों ने समुचित दवा की व्यवस्था किया और योगी आदित्यनाथ जी ने जूस पिला करके आपके आमरण अनशन को